हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है माई के सी पॉइंट में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस बैच नंबर थ्री और आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कान में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है तो यहाँ फोर ऑप्शन दिया हुआ है जो बी है बी उर्वी का ये कान की कोई हड्डी नहीं है मानव शरीर के कान में तीन तरह की हड्डियाँ पाई जाती है और कान की हड्डी को श्रावणीय अस्थिकाओं के नाम से भी जाना जाता है आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न कहता है सर थामस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक के दरबार में दौरा किया तो मुगल शासक जहांगीर ने जहांगीर ने सर रो ने इंग्लैंड के राजदूत के रूप में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में दौरा किए हुए थे सर थॉमस रो ने सर थॉमस रो ने सोलह सौ पंद्रह ईस्वी में इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में रूप में मुगल शासक जहांगीर के दरबार का दौरा किया था जो कि जो कि 1619 तक आगरा के निवासी के रूप में रहे आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था तो इसका भी हमारा फोर ऑप्शन दिया हुआ है इसका जो हमारा सही आंसर है सही आंसर है शशि थरूर ये शशि थरूर को दिया गया था शशि थरूर को उनकी किताब एन एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए अंग्रेजी भाषा में 2019 में 2019 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था 18 18 दिसंबर 2019 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 विभिन्न भाषाओं में दिए जाते हैं आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सलमान रोसदी द्वारा नहीं लिखा गया है यहाँ पर फोर ऑप्शन है इसमें से कौन है जो कि सलमान रुस्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है तो ए नंबर हमारा सही आंसर है द असूटेबल असूटेबल बॉय एक ऐसी उपन्यास है जो कि इनके द्वारा नहीं लिखा गया है बाकी तीनों इन्हीं के द्वारा लिखा गया है तो बात आता है कि एक इनके द्वारा लिखा गया है तो ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न कहता है नवंबर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया तो इसका फोर ऑप्शन दिया हुआ है इसका हमारा सही आंसर है भी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौ नौ नवंबर नौ नवंबर 2019 9 नवंबर नौ को पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक डेरा बाबा नानक में करतारपुर कॉरिडोर के एकाधिकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया था और उन्होंने डेरा बाबा ना, नानक में एक सार्वजनिक बैठक में भाग भी लिए थे दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने 24 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता है तो इसका फोर ऑप्शन है इसका जो हमारा सही आंसर है सही आंसर है सी जोखा अलार्थी जोखा अलार्थी के ने ही मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता दो हजार उन्नीस का और ये जोखा अर्थी एक कौन है तो वह ओमान की पहली महिला है जिन्होंने अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडी के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2019 जीती है इस उपन्यास में वह तीन बहनों और एक रेगिस्तानी देश की कहानी के बारे में बताई बार है इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न कहता है भूपेश बघेल को भूपेश बघेल को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था तो यहाँ फोर ऑप्शन है ये जो हमारा सही आंसर है सही आंसर है बी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें कब तो सत्रह दिसंबर सत्रह दिसंबर सत्रह दिसंबर दो हजार अठारह को रायपुर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी बघेल छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री और राज्य में कांग्रेस के दूसरे सीएम होंगे ये इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रेपो दर निश्चित करता है तो दोस्तों इसका फोर ऑप्शन दिया हुआ है इसका जो हमारा सही आंसर है सही आंसर है बी आरबीआई आरबीआई के द्वारा रेपो दर निश्चित की जाती है रेपो दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक देश के अन्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देने का काम करती है यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है वर्तमान में रेपो दर कितना है तो सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट है इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न नाइन नंबर कहता है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है दोस्तों यहाँ फोर ऑप्शन दिया है क्या जो हमारा सही आंसर है सही आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप हुआ करता है इसका उपयोग मुख्य रूप से शीतलन घटक के रूप में किया जाता है और इसका लाभ क्या होता है कि पानी के बर्फ की तुलना में इसका तापमान कम होता है और कोई अवशेष नहीं छोड़ता या जमे हुए खाद्य पदार्थों को वहाँ संरक्षित करने के लिए उपयोगित है जहाँ तांत्रिक शीतलन उपलब्ध नहीं होता हो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों यहाँ पर फोर ऑप्शन दिया हुआ है तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न कहता है चीन सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है तो इसका भी फोर ऑप्शन है इसका हमारा सही आंसर है कि टाइफून उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है दोस्तों चीन चीन सागर में चक्रवातों को टाइफून के नाम से जानते हैं और इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रशांत घाटी कहा जाता है यह पृथ्वी पर सबसे सक्रिय उष्ण कटिबंधीय चक्रवात घाटी है इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है तो इसका हमारा सही आंसर है बी ए फिनलैंड फिनलैंड जो है इस कैनेडिविया का का हिस्सा नहीं है फिनलैंड इस कैनेडिविया का हिस्सा नहीं है और यह एक एक नार्डिश देश है नार्डिश देश है जो फेनो के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं और नार्वे और स्वीडन के साथ सीमाएं को साझा करता है इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न ने देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मवेशी तुरंत घास निगल लेते हैं और इसे अपने डैश में संग्रहित करते हैं ये निगल तो जाते हैं लेकिन उसको संग्रहित कहाँ करते हैं तो इसका फोर ऑप्शन है इसका हमारा सही आंसर है सही आंसर है ए रोमेन रोमेन में संग्रहित करते हैं ये जो मवेशी होते हैं निगलने के बाद रुमेन में अपने भोजन को भंडार करते हैं और यह जुगाली करके जानवरों के भोजन नली में पहला कक्ष में या निगले हुए भोजन के माइक्रोबियल किणवन के लिए मुख्य स्थल के रूप में कार्य करते हैं इसीलिए बोला जाता है कि मवेशी पगड़ी करते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है तो यहाँ पर हमारा भोर ऑप्शन है हमारा सही आंसर है लाल रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है ऑक्सीजन को प्रवाहित करने का काम करती है और वे फेफड़े से ऑक्सीजन लेते हैं और कोशिकाओं के माध्यम से निचोड़ते हुए इसे इस उतकों में छोड़ दिया करते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है और वे शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करती है और रक्त प्लाज्मा ये प्लाज्मा क्या होता है तो रक्त प्लाज्मा रक्त का एक पीला तरल घटक होता है जो सामान्य रूप से एस्पेनेंसन के एस्पेनेंसन में पूरे रक्त में रक्त कोशिकाओं को, को रखता है और तंत्रिकाएं आइए नेक्स्ट पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मानव शरीर में ही गुर्दे द्वारा किया जाता है गुर्दे द्वारा किया जाता है तो इसका जो हमारा सही आंसर है सही आंसर है ए सही आंसर है मलोत्सर्जन के द्वारा किया जाता है गुर्दे मानव शरीर में मलोत्सर्जन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है और वे उस शरीर में मौजूद जल का शुद्धिकरण करते हैं और मूत्र के रूप में अवशिष्ट को बाहर निकालते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था तो इसका हमारा फोर ऑप्शन है हमारा सही आंसर है इसका भी नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल को सबसे पहले स्थापित किया गया था दोस्तों नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल भारत सरकार द्वारा वर्ष उन्नीस में स्थापित किया गया था पहला जयो मंडल आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ने, है दोस्तों सुंदर वन संरक्षित को कब स्थापित किया गया था तो इसको स्थापित किया गया था उन्नीस ईस्वी में जो कि पश्चिम बंगाल में है ये इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सार्क की पहली महिला सचिव कौन थी सार्क की पहला पहली महिला सचिव कौन थी तो इसका हमारा सही आंसर है दियाना सईद दियाना सईद थी जो कि पहला सबसे प्रथम सचिव थी इन्होंने 2011 से 2012 तक सार्क की पहली महिला महासचिव थी सार्क की स्थापना कब हुई थी तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर उन्नीस को हुई थी सार्क के सदस्य देश कौन सा कौन कौन सा है ये बात आपको जानना चाहिए तो अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान भारत मालदीव नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका सार्क के सदस्य देश हैं। यह इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में सातवीं और छवी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद अर्थात महाजनपद थी तो दोस्तों उस समय सोलह महाजनपद थी अर्थात जो राज्य अभी होते हैं अभी जो राज्य होते हैं उसी वही उस समय महाजनपद हुआ करते थे भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में सोलह महाजनपद मौजूद थे सोलह महाजनपदों के प्राचीन और आधुनिक आधुनिक नाम भी अभी दिए गए हैं जो कि लुसेंट बुक में दिया गया है आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है डैश सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता खंगचेंद जोंगा पर्वत के सम्मान में सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है तो इसका हमारा फोर ऑप्शन दिया हुआ है इसका जो हमारा सही आंसर है सही आंसर है भी छुफात। छुफात हमारा सही आंसर है आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है फरवरी 2013 में निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम को महारत्न का दर्जा दिया गया था तो यहाँ पर फोर ऑप्शन है फोर ऑप्शन में हमारा जो सही आंसर है सही आंसर है ए बी एच ई एल बी एच ई एल को महारत्न का दर्जा दिया गया था फरवरी 2013 में दिया गया था इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है तो इस यहाँ पर हमारा फोर ऑप्शन है हमारा सही आंसर है मुफ्त कानूनी सहायता यह मुफ्त कानूनी सहायता दूसरों की जो मुफ्त सहायता करते हैं इस सूची में उपलब्ध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है अर्थात लिखा नहीं गया है संविधान का भाग टू में भारत के नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को बताता है और संविधान में छह मौलिक अधिकार उपलब्ध है मौलिक अधिकार आवश्यक मूल अधिकार हैं जो देश में प्रत्येक नागरिक के पास होना चाहिए और वे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल हैं दोस्तों छ कौन कौन सा है तो एक नंबर है समानता का अधिकार दो नंबर है स्वतंत्रता का अधिकार तीन नंबर शोषण के खिलाफ अधिकार चार नंबर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार फाइव नंबर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार सिक्स नंबर है संवैधानिक उपचार का अधिकार ये इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखता है तो यहाँ पर हमारा फोर ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से जो हमारा सही आंसर है सही आंसर है सी मुख्यमंत्री जो होता है प्रशासनिक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखने का काम करता है मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री परिषद का प्रमुख होता है और वह राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य प्रशासन के लिए पदानुक्रम इस प्रकार है कि पहले मुख्यमंत्री होगा राज्यपाल राज्य सचिवालय जिला प्रशासन पंचायत और के बाद स्थानीय प्रशासन इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया तो इसका जो हमारे यहाँ पर फोर ऑप्शन दिया हुआ है इसका जो सही आंसर है सही आंसर है डी एकसठवा इकसठवा संविधान संशोधन हुआ तब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया मतदान देने के लिए अब 18 वर्ष के लोग भी देते हैं दो संविधान संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई थी और छत्तीसवा में छत्तीसवा में सिक्किम को भारतीय संघ के रूप रूप में दर्जा दिया गया था बासठवा में क्या हुआ था तो एस ए सी और एस डी के लिए सीटों सीटों में आरक्षण का विस्तार हुआ था ये इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ने, है और उस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा थे इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न ने, है नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सौर मंडल में सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है सूर्य से सबसे दूर इसमें से कौन सा है सही आंसर है सही है डी जो सूर्य से काफी दूर है इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित के पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा की अनुमानित अवधि क्या है परिक्रमा की जो अनुमानित अवधि है वह क्या है तो अट्ठाईस दिन है अनुमानित अवधि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के घूमने की अनुमानित अवधि जो होती है वह लगभग पूरे दशमलव थ्री टू दिन है इसे नक्षत्रिक माह के रूप में भी जाना जाता है चंद्रमा को एक ही दृश्य चरण एक चरण तक पहुंचने में लगने वाला समय उन्तीस दशमलव उन्तीस दशमलव फाइव थ्री दिन अर्थात इसको तीस दिन मान लिया जाता है इसे संयुक्ति माह के रूप में जाना जाता है दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण थे तो सभी प्रश्नों को आप नोटबुक में अपने लिखें और डेली के डेली और अच्छे से प्रैक्टिस करें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेट में तब तक के लिए बाय टेक केयर